नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। पैंथर इंडिया की तरफ से आज जो ईस्ट से विधानसभा क्षेत्र से जो बलबान सिंह जी हैं उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से जो है वो रैली जो है वो निकाली जा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको इस वक्त की गोल मेला से दिखा रहे हैं, किस तरह से जो पैंथर इंडिया के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरह से हर्षदेव भी यहाँ पे इस रैली में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरह का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। और हम आपको बताते चलें कि इस से जो है वो बलवान सिंह जो है वो उम्मीदवार हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी यहाँ रैली निकाली जा रही है? देखिए आज तो एक वर्कर्स की रैली आई है, अभी तो पब्लिक को हमने लाया नहीं है। आज तो ट्रेलर दिखाएंगे आपको और उसके बाद रैली करेंगे। ये हमारे वर्कर्स जो है ये मजालता तक जाएंगे, मजालता में हमारी मीटिंग होगी और एक सीधा और स्पष्ट संदेश है उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को कि एकमात्र विकल्प पैंथर्स पार्टी है। अब आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया आपने, पिछले 10 सालों से जिस तरीके से इन्होंने तबाही और बर्बादी का मंजर यहां दिया है उससे निजात दिलाने के लिए पैंथर इंडिया एकमात्र विकल्प है। पैंथर इंडिया ही आपको मुलाजमत दे सकती है, पैंथर्स पार्टी महंगाई के खिलाफ खड़ा हो सकती है और पैंथर्स पार्टी ही विकास करवा सकती है। अब फैसला लोगों को करना है कि आपको जुमले वाले लोग चाहिए या काम करने वाले लोग चाहिए। अगर काम करने वाले लोग चाहिए तो एकमात्र आपके सामने ऑल्टरनेटिव पैंथर्स इंडिया है। ट्रक निशान के ऊपर मोहर लगाइए और अपने पसंदीदा नेताओं को चुनिए ताकि आपकी आवाज असेंबली के अंदर बुलंद हो सके। आपने 25 लोगों को पहले भेजा था और वो सारे के सारे नतमस्तक हो गए कश्मीरी हुक्मरानों के सामने और उनके मुंह में ऐसा लगता था कि जुबान ही नहीं है। पैंथर्स पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी और जन जन को इंसाफ दिलाएगी। गरीब मजदूर किसान और युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है उसका गिन गिन कर बतला लेगी। भाजपा द्वारा अभी तक कोई भी उम्मीदवार जो है वो उतारा नहीं किया, इसमें इस पे क्या कहेंगे आप? देखो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, अब सोचती है कि ढूंढ रही है कैंडिडेट, तो की बात नहीं रही है। आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार ट्रक के ऊपर सवार होना है, ट्रक चलेगा और इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के इन बेईमान नेता जो हैं उनको ट्रक पर बिठाकर लखनपुर के पार पहुंचाना है। हमने यही हमारा एकमात्र मकसद। बलवान जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपकी तरफ से जो है वो रैली निकाली जा रही है? नमस्कार जी, आपने देख लिया हमारे माननीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी इंडिया के हर्षदेव सिंह जी, जो एक बड़े ईमानदार नेता है, आज उनके साथ हम खड़े हैं और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आज हम उधमपुर से मजालता जा रहे हैं, मजालता में एक कार्यालय का उद्घाटन श्री हर्षदेव सिंह जी के कर कमलों द्वारा होगा और वहां भी हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। आज जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है हमारे से ज्यादा इन्होंने रखी, क्योंकि 3 बार वहां के विधायक भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो आज इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिलाया। मैं समस्त जनता, ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जनता को और पैंथर पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मैं उनके साथ, उनको विश्वास दिलाता हूं कि बलवान सिंह लास्ट सांस तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा और उनकी जितनी भी जरूरत है वो पूरी करेगा। और नौजवान साथी आप देख रहे हैं कि इनका हमारे साथ कितना प्यार, ठीक है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के पैंथर पार्टी में आया हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना प्यार मिलेगा, वहां से आज मुझे ज्यादा मान लगा। तो मैं तमाम आपके माध्यम से ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी हमारे भाई बहने बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, हम एक गुलदस्ता पेश करेंगे क्योंकि गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होता है, वो फूल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी फूल खिलेगा इस बार। वो मैं उस फूल की बात नहीं कर रहा हूँ, गुलदस्ते की बात कर रहा हूँ। वो वादे तो बहुत करते थे, लेकिन आज जो पैंथर पार्टी का वायदा होगा, पैंथर पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते जो हमारे लोकल इश्यूज हैं वो हर्षदेव सिंह ही उठा सकते हैं। हमें विश्वास है
उसी कारण हम हर्ष देव का दामन थामे है और हर्ष देव सिंह जी का सहयोग हमारे साथ रहा है। हम मिलजुल के पैंथर पार्टी के जितने भी विधायक असेंबली में जाएंगे ये आपके साथ हम वादा करते हैं और समस्त जनता की गरीबों की आवाज उठाएंगे। भाजपा द्वारा आपके देखो देखो मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा, आप भाजपा को छोड़ के मैं पैंथर पार्टी में आ गया हूँ। अगर उन्हें लग रहा है कि नेता की कोई कमी आ रही है, बलवान सिंह का कोई कंपेयर नहीं हो रहा है, तो मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। अगर प्रदेश से कोई भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट आएगा तो भगवान सिंह उसका सामना करेगा, जीत के दिल सिंह जोली में डालेगा। बिल्कुल, देखिए ये थे बलवान सिंह जी जो ईस्ट से कैंडिडेट है पैंथर इंडिया के, और इनकी तरफ से आज जो है वो रैली जो है वो निकाली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पैंथर इंडिया के कार्यकर्ता हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हर्षदेव जी और जो बलवान सिंह जी हैं वो यहां से, जो उनका काफिला है वो यहां से निकल रहा है, और ये कार्यकर्ता आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से जो पैंथर इंडिया के जो कार्यकर्ता के साथ साथ जो ईस्ट से कैंडिडेट हैं बलवान सिंह जी, उनकी तरफ से ये साफ संदेश जो है वो भाजपा द्वारा भी उनको दिया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी जो भाजपा द्वारा कैंडिडेट जो है वो ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में नहीं उतारा गया है, लेकिन जिस तरह से उनकी तरफ से आज एक रैली जो है वो की जा रही है तब तक